सब्सक्राइब कीजिए बीजीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके सहारनपुर की राजनीति से जुड़ी हुई हर वीडियो और न्यूज सबसे पहले। गंगा विधानसभा का उपचुनाव काजी परिवार हार तो गया, लेकिन घर वालों को भी यह हार रास नहीं आ रही है, क्योंकि काजी परिवार के हर सदस्य ने इस चुनाव में जी तोड़ मेहनत की थी और सबको इस बात की आशा थी कि यह चुनाव वह ठीक ठाक अंतर से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत के तीन राउंड काजी परिवार के लिए विपरीत साबित हुए और वह चुनाव हार गए। इसके बाद सुनिए हमजा मसूद, जो कि नोमान मसूद के बेटे हैं, उन्होंने क्या कहा। प्रिय साथियों, मैं सबसे पहले तमाम वोटरों का गंगो विधानसभा की शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तमाम भाइयों ने इतने प्यार और मोहब्बत से हमें इलेक्शन लड़ाया और एक तरफा वोट देकर बहुत मजबूत मुकाबला बीजेपी को दिया। मैं मानता हूँ कि हम इलेक्शन जीते हुए हैं, क्योंकि मैं अंदर काउंटिंग में था और मेरे सामने जिस तरीके से चेयरमैन साहब को और हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट को बाहर कर दिया गया, सिर्फ इस बिना पर कि बीजेपी की जीत नहीं हो रही थी, कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। पहले चेयरमैन साहब को बाहर करा, फिर संदीप भाई हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट थे उन्हें बाहर करा, फिर हमारी टेबल के ऊपर जिस टेबल पे मैं था 15 पुलिस वाले, पूरे तीन ज़िलों की पुलिस उस टाइम वहाँ मौजूद थी और हर टेबल के ऊपर 15 पुलिस वाले खड़े कर दिए गए। डीएम साहब माइक पे कह रहे हैं कि कोई अगर यहाँ चूचा कर दी तो मैं बेइज्जत करके बाहर निकाल लूँगा। लंच ब्रेक के नाम पर आधा घंटा काउंटिंग रोकी गई, एक घंटा निकल गया, डेढ़ घंटा निकल गया। दो घंटे बाद मैंने जब हद हो गई तो मैं खड़े होकर, मैं डीएम साहब, मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो मेरे साथ तमाम हमारे एजेंट्स और समाजवादी पार्टी के एजेंट्स, जिन्होंने ये कहा था कि बेटा अकेला मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि मैं जब खड़े होकर मैंने डीएम साहब से पूछा, मैंने कहा सर कोई सॉलिड रीज़न तो दे दीजिए काउंटिंग रोकने का, तो डीएम साहब और आरओ साहब फरमाते हैं कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा हम काउंटिंग नहीं चलाएंगे। अब ये ऊपर से ऑर्डर क्या था मुझे ये समझ नहीं आया। बहुत बहस होने के बाद मैंने कहा सर दिस इज़ नॉट द वे डेमोक्रेसी वर्क्स, इट इज़ योर ड्यूटी टू कंडक्ट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और उसके बाद डीएम साहब ने अपने ही, जिसे कहते हैं, रिजल्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। जो बाहर 27वें राउंड तक हमारी लीड 4300 वोट की थी, 28, 29, 30 तीन राउंड रह गए थे और 31वें राउंड में 7 टेबल लगनी थी। इन तीन राउंड के अंदर हम लोगों का ये था कि चाहे कितने से भी हारो हम आखिर में आके 1500 इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे 10 गांव काउंट होने रह गए थे, जिसमें आबा, पठानपुरा, नैनपुर, छिछरौली, बाबूपुरा, जोगीपुरा, गाड़ोवाला, छोटी सिरसली, बड़ी सिरसली, ये 10 गांव हमारे रह गए थे काउंटिंग पे, जो एक तरफा वोट डालने वाले गांव हैं। काउंटिंग के हंगामे के दो घंटे बाद, जब हंगामा हुआ उसके फौरन बाद ईवीएम लाई गई। ईवीएम में जब वोट खुले तो भाइयों, जिस गांव के अंदर बीजेपी का झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं है, उस गांव के अंदर बीजेपी और हम बराबर खड़े हैं। और बाकी के आखिरी राउंड में 7000 वोट निकले 6000 बीजेपी को, कहीं 15000 वोट निकल रहे हैं 14000 बीजेपी को। हमारी 19000 की लीड गंगो कस्बा और आपका अल्लाह भला करे खादर क्षेत्र निकलने के बाद हमारी 19000 की लीड को बीजेपी पी भी गई और हमारे पे 6000 की लीड भी दे दी। ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का गणित है मुझे नहीं समझ आ रहा। 27वें राउंड तक हमारी लीड 6500 वोट की, 28वें राउंड में लीड 4300 की, 29वें में 3300 की कर दी और 3300 की लीड 30वें राउंड में पी भी गई बीजेपी और 1500 से हरा भी दिया हमें। और 31वें राउंड में हमें और तमाम जितने भी वहाँ पर बैठे हुए एजेंट्स थे, 31वें राउंड के अंदर हमें और एजेंट्स को बाहर कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये देश कहाँ जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हूँ उन्हें भी बाहर करा, निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें भी बाहर करा, फिर तो मेरे हिसाब से इलेक्शन ही नहीं होने चाहिए। हमने इतनी मेहनत करी और ये कोई 2-4 महीने की मेहनत नहीं है, 25 साल की मेहनत नोमान मसूद की खाई है इस बार सरकार ने। और
हमने बहुत कोशिश करी, हंगामा करा, शोर करा, यहाँ तक कि यहाँ से लेकर और दिल्ली तक तमाम नेता हमारे सड़कों पर उतर आए, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने भाइयों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम जिस भी हाल में हैं आपके साथ हैं। और रही बात इलेक्शन की, तो इंशाल्लाह इलेक्शन दोबारा लड़ा जाएगा, मैं गंगोह विधानसभा को छोड़ने वाला नहीं हूँ। 6 महीने की मेरी पढ़ाई रह गई है, मैं पढ़ाई पूरी करके वापस आऊँगा, अपने लोगों के बीच में जिस तरीके से हूँ उस तरीके से रहूँगा, और इस विधानसभा पर दोबारा मजबूती से इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि बीजेपी को अगर ये लग रहा है कि वो घपले से हमें हरा देगी, तो कोई बात नहीं, आप हराइए, हम इंशाल्लाह हर बार मजबूती के साथ और ताकतवर होकर आपसे लड़ने आएंगे। और मेरे भाइयों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कौम के गद्दारों को पहचाने, जिन्होंने वोटों को तकसीम कराने की कोशिश करी उन्हें भी पहचाने। हर इल्ज़ाम जब फजलुर रहमान के इलेक्शन के थी उसमें हमारे पर इल्ज़ाम लगाया गया, तो मेरे भाइयों आज मौका है, देख लीजिए आँख खोल कर, कौन चाहता है, कौन आपका हमदर्द है, कौन आपका हमदर्द नहीं है, आपको पहचानना होगा। मैं आपका भाई हूँ और मुझे बहुत अफसोस है, इस इलेक्शन के बाद मैं बहुत अफसोस में हूँ, क्योंकि बेचैनी इस बात की है कि जीती हुई चीज़ जब आपके हाथ से ले ली जाए तो एक तिलमिलाहट रहती है, वो तो रहेगी, लेकिन मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मेहनत ना आप लोग कर सकते थे, इससे ज़्यादा वोट आप लोग नहीं दे सकते थे, इससे ज़्यादा लोग आप लोग हमारे लिए नहीं लड़ सकते थे, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बसपा के और सपा के दलों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम इतनी शर्म तो रख लो कि लोगों की भावनाओं की इज्जत कर लो। बसपा के नेता लड्डू बांटते फिर रहे हैं, गंगों में ढोल बजाते फिर रहे हैं, इतना जश्न तो बीजेपी के इलाकों में नहीं हुआ जितना लोग बसपा के घर पर ढोल बज रहा है। अरे कौम के गद्दारों, कम से कम सुधर जाओ, कोई बात नहीं, इलेक्शन हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे, आज भी तुम्हारे से ऊपर है, आज भी तुम्हारे से मजबूती से लड़ने वाले लोग हैं। हम अपनी गर्दन कटाना जानते हैं लेकिन झुकाना नहीं जानते, इसलिए मेरे भाइयों इसी बात के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि किसी को घबराने की और अफसोस मनाने की ज़रूरत नहीं, 2022 करीब है, इंशाल्लाह 2022 और मजबूती से लड़ेंगे। अपनी बात को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इस खबर में बस इतना ही, खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए बीजीटी न्यूज़ को।